जिसने ताजमहल देखा है और अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार बताना कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ताजमहल बड़ा है। Yeah, like this. वेदर देख रहे हो भाई साहब, सनसेट बोल सकते हैं, गोल्डन आर एकदम। अशद भाई जो हैं इंडिया भी जा चुके हैं। इन इंडिया विच प्लेस यू विजिट? दिल्ली, ऋषिकेश, वाराणसी, आगरा, ताजमहल, मसूरी, देहरादून। देहरादून Are you planning to visit more? South, West, East, very big. Yes. Yeah. करेंसी वगैरह देख रहे थे अपन। मेरे पास 10 की करेंसी थी तो मैंने भाई को दे दिया कि लो भाई याद रखना, मेरे को दुआओं में याद रखना। तो ये अपना दिल्ली के मेट्रो का कार्ड। Still money in this? ये अपना 5 रुपया। और ये पता नहीं कहाँ का है भाई, बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है। No, this is comes from Disneyland, from Paris, Disneyland. Disneyland, oh, so many countries. रशिया को दिखाता हूँ आपको, ये टर्की का है, ये देखो यार, अच्छे से फोकस नहीं हो रहा, ये टर्की। What is it? This is, I don't know. किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ भाई। This one I think maybe Great Britain or some Elizabeth 50 pence. तो खाना पीना हो गया है और अभी फिक्स नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आजकल एक दिन में 2-3 कंटेंट बन जा रहे यार, तो आपको पसंद आ रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार बनाना चाहिए ना, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं तो फिर बनाते रहना चाहिए। तो लेट मी नो कि एक दिन में 2-3 कंटेंट आप देखना पसंद करेंगे कि नहीं, या मैं एक दिन में एक ही वीडियो बनाऊँ। अभी प्लानिंग चल रही है, कहीं हम बाहर जाएंगे और बाहर मौसम बहुत ही सही है यार, एकदम दिखाता हूँ आपको। सनसेट हो रहा है मस्त एकदम, ठंडी तो है थोड़ी मोड़ी। तो अभी प्लानिंग चल रही है कहाँ जाना है, रेडी रेडी होंगे अभी 1-2 घंटे में और फिर निकलेंगे। गुड इवनिंग हबीबीस। तो आज हम जा रहे हैं सेंट्रल एशिया के बिगेस्ट मॉल में, उसका नाम क्या है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मॉस्क? अच्छा बताता हूँ आपको। तो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और उसको ये भी बोला जाता है कि इस्लाम के लिए वो बहुत ही होलीस्ट प्लेस है। एंड हाँ, वहाँ हिंदूस अलाउड है। हिंदूस मेरे ख्याल से कजाकिस्तान ही एक कंट्री है जहाँ जितने भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो मॉस्क में जा सकते हैं। मेल बॉक्स, ये देखो भाई मेल बॉक्स। अस्ताना का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना यार, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एकदम खतरनाक है। आपको कहाँ भी जाना है, कहीं भी जाना है ना, तो आप बस में जा सकते हो। तो टैक्सी ज़्यादा यूज़ ना करना, क्योंकि इधर टैक्सी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आप बसेस यूज़ करें। टूगिस ऐप एक आता है पूरे रशिया या तो पूरे सेंट्रल एशिया में, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बताता है। समटाइम्स रॉन्ग, लेकिन 95% गुड। तो हम अभी मॉस्क जा रहे हैं और बस स्टेशन में वेट कर रहे हैं। ये देखो तो यार हम मॉस्क आ गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं मॉस्क खतरनाक दिख रहा है भाई, और हमारे सामने फाउंटेन चल रहा है एकदम, बहुत ही सुंदर है। अभी तो अंदर जाएंगे, फिलहाल अंदर देखेंगे, बाहर आके फोटोज वगैरह लेंगे। सेंट्रल एशिया के बिगेस्ट मॉस्क में, और क्या मॉस्क है यार, इससे अच्छा मॉस्क मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा भाई। इससे अच्छा मॉस्क सुंदर है यार, और इसको रात को देखना तो और ही सुंदर है। दरवाजे बंद लग रहे हैं, लेट्स सी।
लेकिन बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जितना पास आप आओगे ना उतना सुंदर होते जाएगा ये। ताजमहल है, ताजमहल जैसे दिख रहा है। वैसे मैंने ताजमहल देखा नहीं आज तक, लेकिन खतरनाक है यार। बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लिए हैं, आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, तस्वीर की दुनिया में देख रहे हो भाई साहब। और इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं ना यहाँ, पास जाके आपको दिखाता हूँ। जिसने ताजमहल देखा है और अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार बताना कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ताजमहल बड़ा है। नूर सुल्तान प्रेसिडेंट थे, उनको ना सबसे बिगेस्ट बनाना था, हर चीज़ बिगेस्ट बनाना था। तो यहाँ का एक और भी रिकॉर्ड है कि बिगेस्ट डोर इन सेंट्रल एशिया, सबसे बड़ा दरवाज़ा पूरे सेंट्रल एशिया में यही है, 12 मीटर का। और यहाँ कुछ लिखा है 12 जुलाई को खुला है या 2022, भाई अभी खुला है ये तो 12 जुलाई 2022। नो बट Not July, this is August, 12th August. This oh, is, maybe some delay. This is year. This year, 12th August. तो 12 अगस्त को खुला है, मतलब मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि अभी आज हो रहा है 22 अगस्त. No, today, 22 अगस्त. Yes. 10 days. So I'm very lucky yes. that I came here. बहुत लकी हूँ भाई मैं, जस्ट खुला है अभी 10 दिन पहले। चलो अंदर चलते हैं। एंड प्रेसिडेंट मेड दिस या नूर सुल्तान, इट्स रिटन ऑल दिस सिटी मेड बाय नूर सुल्तान, या दैट्स व्हाई द नेम इज नूर सुल्तान। अच्छा काम किया यार, हमें भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। मोदी जी कर तो रहे हैं ऐसा काम, कंट्रोवर्सी वाला बात बोल दिया यार मैं तो, कट कट कट। तो इधर आप देख रहे होगे गर्ल्स लोग एक ड्रेस पहनी है, तो इधर रूल है गर्ल्स को सिर ढक के आना है और बॉयज़ ऐसे ही आ सकते हैं। और मेरे सामने जो व्यू है ना भाई, मैंने आज तक इतना अच्छा व्यू कहीं नहीं देखा। इसको 7 वंडर्स में आना चाहिए, सॉरी 8 वंडर में आना चाहिए इस मॉस्क को। This is your first time, yeah? What's your thought about this mosque? This part is very impressive for me, because you also have been in other mosques. Yes, this one looks very nice. Ваш? Очень красиво. Красиво. ये आप जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, मैं पास से दिखाऊंगा आपको, जितने भी वर्ड्स हैं ये सब अरब लिखे हैं। सब बैठे हैं आप देख ही रहे हो, और वहाँ जो सामने है ना, सामने पूरा गोल्ड गोल्ड सा बना हुआ है एक चीज़, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी थोड़ा सा हम बैठ के देख रहे हैं कि कितना सुंदर है भाई ये, बहुत सुंदर है भाई। नूर सुल्तान आ रहे हो, सॉरी कजाकिस्तान आ रहे हो, इस मॉस्क में नहीं आए तो आप कजाकिस्तान नहीं आए। तो मेरा कैमरा जस्टिस उतना नहीं कर रहा है, भले बहुत महंगा कैमरा है, लेकिन यार अगर आप रियल लाइफ देखोगे यहाँ तभी आपको वो एक्सपीरियंस हो पाएगा। लेकिन जो भी जितना भी हो पा रहा है मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और 85mm लगाऊंगा यहाँ और फ़ोटोज़ वगैरह लूँगा। और अभी मैं आ गया हूँ सबसे एंड में, तो पूरा गोल्ड लग रहा है यार ये देखो।
तो मेरे ख्याल से वहाँ नमाज़ पढ़ते होंगे, और ये पूरे वर्ड्स लिखे हैं अरबिक में। किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप टेक्सचर देख सकते हो। ये टेक्सचर नहीं यार, गोल्ड नहीं है ये, गोल्ड होता तो निकाल के ले जाते ना सब। और यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं सब। पिलर्स देखो यार, क्या खतरनाक पिलर्स हैं। उन पिलर्स में ना एसी भी डाला गया है, तो अगर गर्मी गर्मी का मौसम में एसी आएगा, क्योंकि ह्यूमिड अगर हुआ इस बड़े मॉस्क में तो थोड़ा बिल्डिंग ख़राब होगा मेरे ख्याल से। मुझे ये बहुत सही लगा। वैसे इसके अंदर नहीं जा सकते आप, पूरा उधर गेट वगैरह है यार अंदर। बाकी ये झूमर देखो आप, ये वाला कितना भारी होगा और कितना। अल्ट्रा वाइड एंगल में ना चीज़ें थोड़ी छोटी दिखती हैं और सिकुड़ जाता है, तो अगर आप अपने आँखों से देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है, लेकिन थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा छोटा ही दिखता है, लेकिन ठीक है। मेरे पास अगर 12 mm होता तो और अच्छा दिखता, क्योंकि अभी मेरे पास 16 mm है। तो शेयर एयर करो थोड़ा, 12 mm ले लेंगे, सब्सक्राइबर बढ़े तो फिर पैसा भी आ जाएगा। तो मजाक कर रहा था यार, आपको अच्छा लगे तभी शेयर करना वीडियोस। तो सेल्फी वगैरह ले लिया है, और अभी मैं 85 mm लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सारा कंटेंट मिलेगा 85 mm के लिए, तो उसको लगाएंगे और मस्त मस्त फ़ोटो लेंगे। Video. Да.
तो घर पहुंच गए हैं भाई, और इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना इसीलिए नूर सुल्तान को सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट कैपिटल बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। और अभी जो टेम्परेचर है वो है 12 डिग्री सेल्सियस, और ऐसा लग रहा था ना कि भाई माइनस में है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ठंडे ठंडे हवा चल रहे थे। तो ये अशहद का टोपी, ये नरगिजा का मफलर मिला तभी मेरे को आराम मिला। खैर अभी हम थोड़ा चाय वाय का चुस्की लेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे। बहुत थक गया हूँ मैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल बनाओ, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।